जय हिंद दोस्तों, मैं विजयपथ डिफेंस एजुकेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके सामने जो है मार्च महीने की नौकरियों का पिटारा आपके सामने लेकर आया हूं, तो ज़रूर देखें अभी। नाउ फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी जानकर खुशी होगी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स में जो है रेलवे की जो भर्तियाँ हैं वो 1,37,069 पोस्टें जो हैं ग्रुप डी की जो हैं वो वैकेंसीज आ चुकी हैं। नाउ फ्रेंड्स, आपको जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में जो है 1,37,069 पोस्टों के लिए जो है ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो उसके लिए लॉन्च हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th मैट्रिक रखी हुई है, जिसकी लास्ट जो डेट है भरने की वो 12 अप्रैल 2019 है। तो फ्रेंड्स, इसको जल्दी से जल्दी इसको फिलअप करें, जिसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 33 वर्ष है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो क्राइटेरिया क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा, इसकी पूरी डिटेल्स। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है फ्रेंड्स वो 500 रुपीज़ है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 250 रुपीज़ जो है वो इसके लिए चार्ज किया जाएगा। पेमेंट मोड जो है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड रहते हैं, चालान से भी आप इसे भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, जिसकी जो रीजन वाइज पोस्टें जो हैं वो रहेंगी सेंट्रल रेलवे के लिए, ईस्ट रेलवे, नॉर्थन रेलवे, अलग अलग रीजन वाइज जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप जल्दी से जल्दी फिलअप करें और आप इसके लिए हम विज़िट कर सकते हैं www.vijaypatheducation.com पर। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी इसको फिलअप करें और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है और कुछ पोस्टों के लिए जो है वो ITI भी मांगी है, किसी भी इंस्टीट्यूशन से किया हो सकता है, NCVT हो, SCVT हो या NAVC ग्रेडेड बाय NCVT से हो, तो वो भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जॉब के लिए जो अभी निकला है फॉर्म्स वो SO के निकले हुए हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए, जिसके लिए जो फ्रेंड्स टोटल पोस्ट हैं वो 181 है और जिसकी लास्ट अंतिम तिथि जो है वो 29 मार्च है फ्रेंड्स। तो बहुत ही कम दिन रह गए हैं इसको फिलअप करने के लिए, तो फ्रेंड्स इसको जल्दी से जल्दी आप इसको फिलअप करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो टोटल 600 रुपये जो है इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, जो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल और OBC के लिए 600 रुपये है। ST SC और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है। पेमेंट मोड जो है वो डेबिट कार्ड, आप किसी भी माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग से जो है आप इसको फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 मार्च थी और बहुत ही कम दिन दिए हैं इन्होंने इस बार, जो 29 मार्च को जो है ये इसकी लास्ट डेट जो है वो फिलअप करने की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इसमें बताऊँगा, इसमें अलग अलग पोस्टें निकली हुई हैं, जैसे कि फायर ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, इकोनॉमिस्ट की 6 पोस्टें हैं, जो इकोनॉमिक में जिन्होंने PG किया होता है उनका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा इसमें, तो उनके लिए भी ये निकली हुई हैं, 6 पोस्टें हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर की 19 पोस्टें हैं जो ग्रेजुएशन बेस्ड होंगी और इसके लिए 26 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड ऑफिसर्स की हैं जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, अगर किसी ने MBA PGDVM किया हो या CA ICWA किया हो तो उनका भी इसमें एक्सपीरियंस भी काउंट होगा और उसकी पोस्टें 15 पोस्टें हैं। क्रेडिट ऑफिसर की जो है 122 पोस्टें हैं, इसमें भी ग्रेजुएशन सेम रहेगा। और फॉरेक्स ऑफिसर की जो है वो 18 पोस्टें हैं फ्रेंड्स, तो इसमें भी जो है ग्रेजुएशन मांगी गई है, MBA हो, PGDVM किया हो, तो ये भी आप फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप फटाफट जो है अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करें, क्योंकि आगे आगे जो जब लास्ट डेट्स आती हैं तो ये जो फॉर्म्स होते हैं वो फिलअप नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, काइंडली इसको आप जल्दी से जल्दी फिल करें और इसकी लास्ट जो अंतिम तिथि है वो 29 मार्च है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मैं स्टेट जॉब लेके आया हूँ, जो HPSSC रिक्रूटमेंट सेल 2019 हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इस बार की पोस्टें हैं 2019 के लिए,
226 पोस्टें हैं जो लैंग्वेज टीचर, लैब असिस्टेंट और अदर पोस्ट्स हैं। जो अदर पोस्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं तो मैं बताऊंगा आपको। लैंग्वेज टीचर हैं, मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल में मैकेनिक पेंटिंग के लिए चाहिए, कॉपी होल्डर चाहिए, डिस्पेंसर चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन चाहिए और सीनियर साइंटिस्ट चाहिए, ड्रग्स के लिए फिटर चाहिए, हॉस्टल वार्डन चाहिए और भी अदर पोस्ट्स हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आज जो है आपको देने जा रहा हूँ। और ये जो हमारी पोस्ट्स हैं जो टोटल हैं वो 226 पोस्टें हैं दोस्तों। और इसकी अंतिम तिथि जो है वो भरने की वो 4 अप्रैल 2019 है। और इसके लिए जनरल कैटेगरी का जो फी चलान है वो 360 रुपये का है और जो जनरल IRDP के हैं और अदर हैं तो उनके लिए 120 रुपये हैं। SC ST OBC के लिए भी 120 रुपये ही होंगे फ्रेंड्स। इसके लिए फिलअप करने के लिए सेम वैसा ही क्राइटेरिया रहता है। और दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल है, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। और इसको आप जल्दी से जल्दी जो है आप फिलअप कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाकर। और फ्रेंड्स इसमें जो क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लैंग्वेज टीचर के लिए BA चाहिए और विद BEd हो, MA विद BEd हो तो लैंग्वेज टीचर के लिए आप फिलअप कर सकते हैं। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है लैंग्वेज टीचर की, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। लैंग्वेज टीचर की 155 पोस्टें हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है जिसमें 12वीं किया हुआ होना चाहिए और ITI साथ में है मांगी हुई। मैकेनिकल प्रिंटिंग के लिए एक पोस्ट है जिसमें 10+2 और ITI चाहिए। कॉपी होल्डर के लिए एक ही पोस्ट है जिसके लिए 10+2 चाहिए। डिस्पेंसर के लिए जो है वो +10th चाहिए, विद साइंस हो, डिप्लोमा और फार्मेसी की हो, उसके लिए 2 पोस्टें हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 6 पोस्टें हैं, 10+2 डिप्लोमा फार्मेसी किया होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्टें हैं जिसके लिए डी फार्मेसी की होनी चाहिए। सीनियर साइंटिस्ट ड्रग्स के लिए 2 पोस्टें हैं जिसमें डिग्री PG किया होना चाहिए। फिटर की जो है वो 28 पोस्टें हैं, मैट्रिक विद ITI फिटर होनी चाहिए। पोस्टल वार्डन के लिए 3 हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी, मतलब यानी कि ग्रेजुएशन भी चलेगी। असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन के लिए 1 पोस्ट है जिसमें जो है मैट्रिक हो पर डिप्लोमा इन सिनेमाटोग्राफी में होनी ज़रूरी है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए जो है वो 1 पोस्ट है, BSc मेडिकल भी जो है कैंडिडेट वो फिलअप कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट हैं जिसमें मैट्रिक किया होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा, मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई जा रही है फ्रेंड्स, मैट्रिक डिप्लोमा चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो या BTech इलेक्ट्रिकल में किया हो तो वो फिलअप कर सकते हैं। जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए जो है 14 पोस्टें हैं जिसमें फर्स्ट क्लास से जो है बैचलर डिग्री बच्चे ने यानी कि कैंडिडेट ने किया होना चाहिए, जिसने केमिकल, इन्वायरमेंटल, सिविल, इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जिसमें नॉलेज लिया हो। इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है जिसने ITI किया होना चाहिए इसी सेम ग्रेड से, एक्सपीरियंस इसमें मैटर करेगा, 4 साल का एक्सपीरियंस साथ में होना ज़रूरी है। इसी में सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है जिसमें 3 पोस्ट हैं, +2 हुआ होना ज़रूरी है और कम से कम जो है वो हवलदार की पोस्ट से जो है इंस्ट्रक्टर जो है वो हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स तो ये हमारी जॉब्स जो है इसका क्राइटेरिया था जो मैंने आपको अभी बताई हैं कि कौन कौन सी जॉब्स निकली हैं। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए hpssb.hp.gov.in पे जो है आप जाकर वैकेंसीज़ के लिए आप इसको भर सकते हैं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट CHSL के लिए बताना चाहूँगा कि CHSL की भी नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं और CHSL के लिए जो है आप ऑनलाइन आवेदन अपना जो है वो कर सकते हैं। और इसकी आयु सीमा जो है वो 18 से 27 वर्ष
है फ्रेंड्स, लास्ट डेट जो है इसको फिल करने की वो 5 अप्रैल है फ्रेंड्स, और बहुत ही कम दिन रह गए हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। और इसकी जो फ़ी है वो चलान फीस जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है, और वुमेन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और अदर एक्स सर्विसमैन पर्संस के लिए जो है वो टोटल फ्री फ्रेंड्स। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें फ्रेंड्स। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी आयु या उम्र 2/8/1992 से लेकर 1/8/2001 के बीच में बॉर्न है, वही कैंडिडेट्स जो है वो फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान से आप रखिए। और इसमें फ्रेंड्स लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और पोस्टल असिस्टेंट्स के लिए जो है वो पोस्टें निकली हुई हैं, और इसकी जो लिए आप जो है वो जल्दी से जल्दी जो है अप्लाई करें। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है, यानी कि आपकी +2। तो फ्रेंड्स आप जो है जल्दी से जल्दी फिल करें, और इसकी जो स्ट्रीम्स है वो कोई भी चल सकती है। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी आप इसके लिए अप्लाई करें जो CHSL के लिए। और इसके लिए जो आप अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन होगा, और वो ssc.nic.in की साइट पे होगा। आप वहाँ पर जाएं और अपना जो आवेदन है वो वहाँ पर अप्लाई करें। और फ्रेंड्स वहाँ पर आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आफ्टर देन लॉगिन होगा। इसके लिए जो है आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स प्लस सिग्नेचर प्लस फोटोज जो है उसकी डिटेल्स जो है वो मांगी जाएगी, आप वहाँ से फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय खाद्य निगम FCI में भी अब जो है वो पोस्ट्स निकल चुकी हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई है, और इसके लिए जो फ्रेंड्स हैं वो 4103 पोस्टें हैं जो अब आपके लिए निकाली गई हैं इस बार इस सेशन के लिए, जिसकी लास्ट अंतिम तिथि जो है वो 30 मार्च है फ्रेंड्स। अभी 15 ही दिन रह गए हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से जल्दी आप इसको फिलअप करें। इसके लिए फ्रेंड्स जो है एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 रुपीज़ रखी हुई है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। तो सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो 500, फीमेल जो है वो nil है उनकी फ़ीस। तो जल्दी से जल्दी इसको फिलअप करें फ्रेंड्स। और इसके लिए जो पेमेंट मोड है वो कैश नहीं होगा, बट आप जो हैं डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू जो है आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च है। तो फ्रेंड्स तो जल्दी से जल्दी आप फिलअप करें। और फ्रेंड्स इसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल और मई 2019 के बीच में ही इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कब है एग्ज़ाम। इसके लिए फ्रेंड्स आयु क्या रहती है, इसके लिए जूनियर अगर असिस्टेंट ग्रेड के लिए 2 के लिए भरना हो वो उसकी 28 वर्ष है मिनिमम। और दूसरे जो हमारे स्टेनोग्राफर के लिए चाहिए होता है, टाइपिस्ट के लिए वो 25 वर्ष चाहिए, असिस्टेंट ग्रेड के लिए चाहिए 27 ईयर्स चाहिए, और रिलैक्सेशन जो है वो एप्लीकेबल एज पर रूल्स रहेगी। और कौन कौन सी किस किस के लिए वैकेंसीज हैं, ये जो वैकेंसीज हैं वो डिवाइड हुई हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और एनी जोन में। तो फ्रेंड्स जो पोस्ट हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू बांटी गई हैं। तो आप जो मोर डिटेल्स के लिए देखने के लिए जो है आप www.vijaypatheducation.com पर जो है आप जाएं और वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, और वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करें फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें जो है जॉब अलर्ट्स के लिए आज बताया जा रहा था कौन कौन सी फॉर्म्स निकले हुए थे। तो आपका जो अपने फॉर्म्स हैं वो जल्दी से जल्दी फिलअप करें, क्योंकि फॉर्म्स फिलअप होंगे तो ही नौकरी। तो फ्रेंड्स ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब करें हमारे को, अगर आप जो है जॉब अलर्ट्स जो हैं अपने मोबाइल पर चाहते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर रहेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।